हरी ओम फ्रेंड्स, आज हम साईं बाबा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम साईं बाबा जी की ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जो मेरे ये साईं बाबा जी की लेंथ है, ये 5 इंच के साईं बाबा जी हैं। तो आज हम इस तरह की पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रेस बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ड्रेस बनाने के लिए येलो कलर का फैब्रिक ले रखा है। और देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये कितनी ली हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमें 6x6 इंच का एक पीस कट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से मैंने एक कॉटन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। तो आप एक कॉटन भी फैब्रिक ले लें। और देखिए इसमें मैं इस तरह की लेस लगाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेस अपनी पसंद से आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरफ से भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से निशान लगाने के बाद ये हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से आप देख लें कि हमारा जो कॉटन का फैब्रिक है वो बिल्कुल सीधा रखा हो, ताकि जब हम इसको सील लें फिर हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से इसको सीधा सीधा नीचे से रख लें और इसकी कटिंग कर लें इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह बस आपको कटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। और अब देखिए, अब हम इसको सिलेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम छोड़कर इधर से यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से। सिर्फ एक साइड को हमने ओपन रखना है ताकि हम इसको सीधा कर सकें। तो ये देखिए, फैब्रिक की यहाँ पर मैंने ये उल्टी साइड ली हुई है, ठीक है। दोनों सीधी साइड हमें अंदर की तरफ कर लेनी है और उल्टी साइड को बाहर की तरफ से यहाँ से सिलाई लगाएंगे। मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं उल्टी तरफ से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा येलो कलर का ही धागा लगा है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा। तो यहाँ से दिखा रही हूँ मैं। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। और देखिए, एक साइड मैंने ओपन छोड़ी है, इसको अब हम यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरह से पलट कर। बट उससे पहले हम यहाँ पर एक इस तरह से टक लगाएंगे, ताकि यहाँ पर जो हमारा कॉर्नर है वो अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे पलट लेते हैं इस तरह से। और पलट कर इसको आप साइडों से अच्छे से अंगूठे से सीधा कर कर बैठा लें इस तरह से, ठीक है। कॉर्नर्स को भी अच्छे इस तरह से सीधा कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और अब हम इसको देखिए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इसको सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी सीधी सिलाई लगा ली है। और अब हमने इस साइड को लेस को रख लेना है और इस तरह से अब हम लेस को यहाँ से सिलाई कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको सिलाई कर लेती हूँ यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ हमने दोनों तरफ लेस लगा ली। और अब हम इसको यहाँ से इस तरह करेंगे और ऊपर से भी लेस को लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस लेस को हम यहाँ से गले वाली साइड से थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, तो मैं इस तरह से इस लेस को भी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलने के बाद ये ऐसा लगेगा। और अब हम इसके साइडों में पीछे से और एक फ्रंट में इस तरह से एक वेलग्रो लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक वेलग्रो को हमने इस तरह से यहाँ पर लगाना है, ये देखिए, ठीक है। और दूसरा हम देखिए इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर जो है हमने सॉफ्ट वाली साइड लगानी है। और देखिए, जो इसके ऊपर आएगी तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी ये सॉफ्ट वाली पार्ट को इस तरफ से लगा लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड वेलग्रो लगाई है और इधर को नीचे की साइड लगाई है। और अब हम इसको देखिए इस तरह से बंद कर लेंगे और ये हमारे साईं बाबा जी का पोंचू बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका पटका भी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पटका बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा एक पीस लिया है। ये देखिए, ये 2x2 का एक छोटा सा पीस लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे साईं बाबा जी का सिर बहुत छोटा सा है, इसलिए छोटा सा ही पीस लेना है। तो इस तरह से पीस को लेकर अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये जो हमारी लेस है उसको हम इस तरह से इसमें लगा देंगे, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसको मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेस को अटैच कर लिया है और अब हम रिबन लेंगे और ये देखिए इसको हम आगे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए इधर से इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास रिबन ना हो तो आप यहाँ पर टिश्यू लेस भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से करेंगे और पीछे से एक हम सुई धागे से टांका लगा देंगे इस तरह से। तो इसको मैं इस तरह से पक्का कर लेती हूँ। और आप चाहें तो अगर इस चीज़ को भी इस तरह से करना चाहते हैं तो इसे पीछे करके आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आप इस तरह से पहनाना चाहें तो ऐसे पहना सकते हैं, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी ये पहनावा बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनने के बाद इसकी फाइनल लुक इस तरह से दिखाई देगी। आई होप कि आपको साईं बाबा जी की ये ड्रेस जरूर पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।